हेलो अस्सलाम वालेकुम, ज़रा एचटी हियर। सो होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने जा रहे हैं 6-in-1 डिजिटल क्लीनिंग ब्रश के बारे में। और ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो डेडिकेटेड वीडियो नहीं थी। सो उस वीडियो को देखने के बाद मुझे काफ़ी मैसेजेस आए थे आपकी तरफ से कि इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना ली जाए। सो आज की वीडियो इस प्रोडक्ट के ऊपर है। इसको हम टेस्ट करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे इसका, और सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या ये आपके गैजेट्स को अच्छे तरीके से साफ कर सकता है या नहीं कर सकता। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इस प्रोडक्ट को हमें सेंड किया था बैंक्स ने, और बैंक्स जो है उसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। और इसकी प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली लिंक मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि अभी ये प्रोडक्ट उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो स्टार्ट करते हैं विद इट अनबॉक्सिंग। सो हियर वी हैव द बॉक्स ऑफ 6-in-1 डिजिटल क्लीनिंग ब्रश, और इसका जो ओवरऑल बॉक्स है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, काफी छोटे साइज में आता है। जैसे ही इसके बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्लीनिंग ब्रश किट, जिसका रैपर हम यहाँ पे रिमूव कर लेते हैं और इसका फाइनल लुक देख लेते हैं कि हमें किस तरह से मिल जाता है। सो रैपर रिमूव करने के बाद इसकी जो ओवरऑल बॉडी है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। प्लास्टिक बॉडी है, ओवरऑल साइज काफी छोटा है, जिसका फायदा आपको ये होने वाला है कि अगर आप इसको ट्रैवलिंग के लिए यूज करना चाह रहे होते हैं या अगर आप इसको कहीं कैरी करना चाह रहे हो तो ये ज्यादा स्पेस कवर नहीं कर रहा होता, और वेट भी इसका काफी लाइट है। सो आपको ट्रैवलिंग में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आप इसको इजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। मजे की बात इस क्लीनिंग ब्रश की यह है कि यहाँ पे आपको कवर की फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। जो बैक साइड पे आपको पॉलिशिंग क्लोथ दिया है उसको ओवरऑल प्रोटेक्ट करता है, ताकि उसमें डस्ट या उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो सके। और इस कवर की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और क्वालिटी देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ज़्यादा जल्दी ब्रेक हो सकता है। और लास्ट में इस बॉक्स के आपको कुछ पेपर वर्क मिल जाता है, जो कि आप रीड करना चाहते हैं सो कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग हम इसकी कर चुके हैं, सो अब देखना ये है कि क्या ये आपके डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स को अच्छी तरीके से साफ कर सकता है कि नहीं। इसमें आपको 6 डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं जिससे आप अपने गैजेट साफ कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे नंबर 1 पे आता है की पुलर, 2nd पे क्लीनिंग ब्रश है, 3rd पे पॉलिशिंग क्लोथ है, 4th पे आपको सिलिकॉन निब मिलती है, 5th पे आपको हाई डेंसिटी ब्रश मिलता है, और 6th पे जो आ जाता है वो हमारे पास क्लीनिंग स्वैब आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लीनिंग ब्रश के बारे में। अब इसका साइज आपको काफी बड़ा मिलता है, जिसका फायदा आपको ये होता है कि आप काफी बड़ी बड़ी चीजों को काफी अच्छे से साफ कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे कोई गैजेट साफ करना चाहते हैं जिसके अंदर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा होता, या फिर आप कपड़े से इसको साफ नहीं कर सकते, तो वहां ये काफी अच्छे से काम आता है। जिसके अंदर हमारे पास सबसे नंबर 1 पे चीज आती है वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक ऐसी चीज है जिसको साफ करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, अगर उसके अंदर कोई भी चीज फंस जाए तो बटन भी प्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये जो ब्रश है इसका साइज काफी बड़ा है, जिसका फायदा ये होता है कि आप अपने कीबोर्ड को काफी अच्छे से साफ कर सकते हैं, उसमें डस्ट जितनी भी है उसको क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी और चीज साफ करना चाहते हैं, जिसके अंदर माउस आ जाता है, चार्जर आ जाते हैं, या फिर अगर आप कैमरा को भी क्लीन करना चाहते हैं, तो ये जो ब्रश है उसको काफी अच्छे से क्लीन कर देगा। सेकंड पे हम ट्राई करने वाले हैं की पुलर को लेके। अब की पुलर एक ऐसी चीज है, नाम से ही आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आप इसको किस लिए यूज कर रहे होंगे। अब कीबोर्ड्स के आपके जितनी भी कीज है उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं इस की पुलर के साथ। 3rd पे हम ट्राई करने वाले हैं पॉलिशिंग क्लोथ को लेके, जो कि इसकी बैक साइड में आपको अटैच मिलता है, और इसकी क्वालिटी नो डाउट काफी अच्छी है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का जो क्लोथ है वो आपको मिलता है अटैच। अगर आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फोन है, उसकी स्क्रीन को अगर आप साफ करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छे से इसको साफ करके आपको दे देगा। और मेरे पास जितने भी गैजेट्स है, जितने भी मोबाइल फोन है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेक्टर का मैं यूज काफी ज्यादा करता हूँ, तो प्रोटेक्टर को लगे हुए भी ये काफी अच्छे से चीजों को साफ कर रहा है, रिजल्ट आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। 4th पे हमारे पास आ जाता है क्लीनिंग स्वैब। अगर आपके पास एयरबड्स है, एयरपॉड्स है, आप उसके चार्जिंग केस को डीपली साफ करना चाहते हैं, तो ये आपको उस केस में काफी हेल्प करने वाला है। पर्सनली मुझे पास्ट में काफी प्रॉब्लम आती थी चार्जिंग केस को स्पेशली साफ करने में, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मुझे काफी हेल्प कर रही है अभी, और मैं इसको काफी टाइम से यूज भी कर रहा हूँ, और नो डाउट काफी क्लीन, काफी अच्छे से साफ कर देता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, और क्वालिटी जो है वो इसकी नो डाउट काफी अच्छी है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है सिलिकॉन निब, जिसके साथ आपको हाई डेंसिटी ब्रश अटैच मिलता है। अब ये दो चीजें जो है वो आपको एक साथ मिलती हैं। सबसे पहले हमने साफ कर लिया था चार्जिंग केस को, अब हम साफ करने वाले हैं उसके एयरबड्स को। सिलिकॉन निब जो है वो आपके एयरबड साफ करने में हेल्प करती है, और ये काफी नुकीली सी चीज आपको मिलती है इसके साथ, जिसको आपको एयरबड्स को साफ करने में काफी हेल्प हो जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाई डेंसिटी ब्रश, जिसका साइज जो है ब्रश का वो छोटा है, जिसका फायदा आपको ये होता है कि अगर आप अपने स्पीकर ग्रिल फोन की साफ करना चाहते हैं, या फिर अगर आप उसके रिसीवर को साफ करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी होल साफ करना चाहते हैं
जिसका साइज काफी छोटा है, सो उसको ये जो ब्रश है वो काफी इजीली साफ कर लेता है। मेरे पास जो ये ब्रश है वो काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, सो थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन क्वालिटी नो डाउट इसकी अभी तक अच्छी है और काफी अच्छे से ये अभी तक साफ कर लेता है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे काफी पसंद आया है। आपके जितने भी गैजेट्स हैं उसको अच्छे तरीके से साफ कर लेता है और आप इसको ट्रैवलिंग में भी लेके जा सकते हैं, काफी इजीली कैरी कर सकते हैं आप इसको, काफी लाइट वेट भी है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। सो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।